कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने पर हेमंत सोरेन राजी हो गए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। JMM के सहयोग से कांग्रेस को झारखंड से एक राज्यसभा सीट मिलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक CM हेमंत सोरेन और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच हुई बैठक के बाद ये तय हुआ। इससे पहले सोनिया और हेमंत सोरेन के बीच हुई बैठक के बाद CM सोरेन ने कहा था, राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाएगी इसके बारे में जल्द ही आप लोगों को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। झारखंड में भी 2 सीट को लेकर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर हमने सोनिया जी से मुलाकात की। झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर चर्चा हुई है। सोरेन ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें राज्यसभा चुनाव के बारे में जानकारी दी है। झारखंड में भी 2 सीटें हैं, हमने इस पर चर्चा की। हालांकि इस दौरान CM ने संकेत नहीं दिए कि वो कांग्रेस को 1 सीट देने पर सहमत हुए हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ है कि दोनों के बीच सहमति बन गई है। बता दें कि बीते दिन झामुमो ने कांग्रेस के रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राज्यसभा सीट आंख दिखाकर न मांगे, इसके लिए याचना करे। बहरहाल झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए झामुमो अपने स्टैंड से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शनिवार को एक बार फिर दोहराया कि झामुमो के समर्थन से कांग्रेस का उम्मीदवार ही राज्यसभा चुनाव लड़ेगा। इस बीच झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की सहायता से झारखंड के CM हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो हो, लेकिन उसका दुष्प्रचार करना ठीक नहीं है। JMM ऐसी कृत्यों का विरोध कर रही है, जरूरत पड़ने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा।